हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में पनीर छोले की रेसिपी शेयर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पनीर छोले, इसमें ऐसा खास क्या है? बताते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन एक शर्त है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और इस छोले में ऐसी क्या बात है वो हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। चलिए थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि इस पनीर छोले को हम एक खास इंग्रेडिएंट के बगैर बनाएंगे, और फिर भी ये छोले इतने टेस्टी बनेंगे कि आप इसे खाकर बता ही नहीं सकते कि इस पनीर छोले में वो इंग्रेडिएंट नहीं पड़ा है। और साथ ही ये छोले इंस्टेंट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए पनीर छोले बनाना शुरू करते हैं। पनीर छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग एक कटोरी काबुली चने या छोले वाले चने लिए हैं, जिन्हें हमने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। और जब ये चने अच्छे से फूल गए हैं तो हमने इन्हें दो तीन पानी से वॉश कर लिया है, और अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम इन चनों को एक कुकर में डाल देंगे। चने डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए, हमने यहाँ पर लगभग डेढ़ ग्लास के करीब पानी कुकर में डाला है। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये चाय की पत्ती की पोटली। ये देखिए, मैंने चाय की पत्ती को एक कॉटन के कपड़े में बांध लिया है और उसकी पोटली बना ली है, और अब हम इस पोटली को कुकर में डाल देंगे। आप इसकी जगह पर टी बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून चाय की पत्ती का यूज़ किया है, और अब हम इस पोटली को कुकर में डाल देंगे। पोटली डालने के बाद आप चाहें तो इसमें चुटकी भर खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोडा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चने हमारे बहुत अच्छे से फूल गए हैं। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और कुकर को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे, और साथ ही गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और कुकर में कम से कम 5 से 6 सीटी लगाएंगे। अगर आप खाने वाला सोडा डाल रहे हैं तो कम से कम हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगाइए। कहने का मतलब ये है कि हमें कुकर में इतनी सीटी लगानी है कि जो चने हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो जब तक चने पक रहे हैं, चलिए हम पनीर छोले के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। और ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने पील आउट करके वॉश करके रफली चॉप कर लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 6 टमाटर मीडियम साइज के, और इन्हें भी हमने वॉश करके रफली चॉप कर लिया है। साथ ही हमने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, और साथ ही हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमने ये बड़ी इलायची ली है एक, साथ ही हमने लिया है 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा 1 दालचीनी का, और साथ में लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और साथ में लेंगे 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का और 2 हरी इलायची। और अब हम इन सभी मसालों को पकाएंगे, और मसालों को पकाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है, और अब हम इस भगोने में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और सभी खड़े मसाले डाल देंगे। अगर आपके पास ये खड़े मसाले नहीं हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इन खड़े मसालों की जगह पर आप क्या डालेंगे उसे हम आगे बताएंगे। सभी खड़े मसाले भगोने में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, और पानी डालने के बाद अब हम भगोने को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे, और साथ ही गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखिए, हमने भगोने को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन भी कर दिया है, और अब हम भगोने को एक प्लेट से ढक देंगे, लेकिन हम भगोने को पूरा प्लेट से नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा भगोना खुला रहने देंगे ताकि स्टीम बाहर निकल सके। एक चीज तो डालना हम भूल ही गए, साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन की 2-4 कलियां। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम भगोने को फिर से प्लेट से ढक देंगे, और अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं, और ये देखिए, टमाटर देखने से ही लग रहा है कि अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अब हम इन्हें स्पून से मैश करेंगे। ये देखिए, और अगर टमाटर स्पून से आसानी से मैश हो जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और साथ ही इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और साथ ही ये देखिए, चने भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं और कुकर में 5 से 6 सीटी हाई फ्लेम पर आ चुकी है, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, चलिए हम पनीर को कट कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के
करीब पनीर लिया है और अब हम इस पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में पनीर को कट कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने पनीर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें सेलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और साथ ही ये देखिए, कुकर भी ठंडा हो चुका है और अब हम कुकर को खोल कर देखते हैं कि चने पक गए हैं कि नहीं। और ये देखिए, जो हमने चाय की पत्ती डाली थी उससे चनों का कलर कितना बढ़िया आया है, ये देखिए। साथ ही ये देखिए, हम एक चने को दबा कर देखते हैं और देखिए कितनी आसानी से चना दब जा रहा है, यानी चना बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। और अब हम कुकर से चाय की पत्ती की पोटली को निकाल कर अलग रख देंगे और कुकर को अब हम ढक कर साइड में रख देंगे और छोले के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो मसाला तैयार किया था, यानी जो मसाला बॉईल किया था, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम इस पूरे मसाले को मिक्सी में डालकर पीसेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मसाला या तो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और अगर आप गर्म मसाला पीस रहे हैं तो आप उस मसाले में थोड़ी सी आइस क्यूब या बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल दीजिए, ताकि जब हम मसाले को पीसें तो मसाले में स्टीम ना बने। और अब हम जार को बंद कर देंगे और मसाले को पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है और देखिए कितना फाइन मसाला पीस कर तैयार हुआ है, ये देखिए, हम आपको पास से दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम छोले बनाना शुरू करते हैं। और छोले बनाने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है ताकि कढ़ाई गर्म हो सके। तो चलिए अब हम सस्पेंस को भी ख़त्म करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये छोले हम किस इंग्रेडिएंट के बगैर बनाएंगे, और वो है ऑयल। हम यहाँ पर विदाउट ऑयल पनीर छोले बनाएंगे, है ना सोचने वाली बात। तो चलिए विदाउट ऑयल पनीर छोले बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया है, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून छोले मसाला। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी छोले बनाना चाहते हैं तो आप छोले मसाला की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ हमने आपसे कहा था कि अगर आपके पास खड़े मसाले नहीं हैं तो आप उसकी जगह पर गरम मसाले का यूज़ कर सकते हैं। और जब आप छोले मसाला डालेंगे तो उसी समय आप 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दीजिए। मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ले लिया है जिसमें हमने प्याज टमाटर वाले मसाले को पीसा था, ताकि मिक्सी के जार में जो मसाला रह गया हो वो पानी के साथ बाहर आ जाए। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट चलाते हुए भून लेंगे, ताकि हमने जो इसमें ड्राई मसाले डाले हैं वो अच्छे से भून जाए। एक बात और, अगर आप इस छोले को और भी कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें गरम मसाला या खड़े मसालों का यूज़ मत कीजिए, केवल आप इसमें छोले मसाला का यूज़ कीजिए। और साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक को भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 पिंच हींग, और हींग को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और अगर आपको इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा हो तो आप ग्रेवी में थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और एक बॉयल आने तक पका लेंगे। और ये देखिए, एक बॉयल आ चुका है ग्रेवी में, और देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल परफेक्ट पानी था, इसीलिए हमने ग्रेवी में और पानी ऐड नहीं किया था। और अब हम इस ग्रेवी में डाल देंगे जो हमने चने बॉयल किए थे। और चने डालने के बाद अब हम इन चनों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। चनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कट किए हुए पनीर के टुकड़े, क्योंकि हम यहाँ पर ऑयल फ्री पनीर छोले बना रहे हैं, इसीलिए मैंने पनीर को ना तो सेलो फ्राई किया और ना ही डीप फ्राई किया। और अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और इन्हें हम कम से कम 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। चलिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम छोले को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया छोले दिख रहे हैं, कोई देखकर इन्हें बता ही नहीं सकता कि ये छोले विदाउट ऑयल बने हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और गैस को ऑफ करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद ये देखिए, फाइनली छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। और ये देखिए, छोले कितने टेस्टी दिख रहे हैं,
यकीन मानिए विदाउट ऑयल ये पनीर छोले इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये छोले हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं। और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या जिन्हें डायबिटीज है या जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या जिन्हें हार्ट की समस्या है, वो लोग भी इस पनीर छोले का मजा ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये विदाउट ऑयल पनीर छोले की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।